बीड क्या है? बीड बोलो, या फिर हम लोग इसको टेंडर भी बोलते हैं, है ना, बीड या फिर टेंडर। देखिए यहाँ पे देखा यदि जाए तो बीड, हम लोग नॉर्मल बीड को यदि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बोलेंगे तो बीड मतलब बोली होता है, बोली लगाना, है ना, कोई भी चीज को बोली लगाना उसको बीड बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। और ये हो गए टेक्निकल वर्ड्स। यदि नॉर्मल में बताएंगे तो नॉर्मल में आप लोग हर लोगों ने बीड हम लोगों ने देखा ही है, कोई भी टेंडर्स टेंडर्स निकलता है। अभी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रेक्टर काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर, जैसे गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि हम गवर्नमेंट का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि गवर्नमेंट में आप लोगों ने देखा है आपके घर के सामने रोड बना है, किसी ना किसी कॉन्ट्रेक्टर ने तो बनाया है, वो कॉन्ट्रेक्टर को वो काम कैसे मिला? तो टेंडर के थ्रू से मिला, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। दूसरा तरीके से हम लोग टेंडर को इस तरीके से, यदि प्राइवेट वर्क में बोलेंगे तो हम टेंडर इस तरीके से भी बोल सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई भी एक घर बनाना है, एक मुझे घर का बंगलो का एक प्रोजेक्ट, मेरा 2 फ्लोर का एक मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, 2 फ्लोर का मेरा एक घर का प्लान है मेरा। क्या 2 फ्लोर का हम जब घर बनाने के लिए जाते हैं हम क्या करते हैं? हम कॉन्ट्रेक्टर लोगों को बोलते हैं, हम बुलाते हैं कि मुझे एक 2 फ्लोर का घर बनाना है, ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, मेरा ऐसा ऐसा ड्राइंग है, ये मेरा प्लान है, तो मुझे ये घर बना के दो। तो मैंने 2-4 कॉन्ट्रेक्टर को बोल बताया, या उससे ज्यादा 10-20-50 कॉन्ट्रेक्टर को बताया, मुझे और कॉन्ट्रेक्टर चाहिए तो मैं पेपर में डाल दूंगा मुझे 2 फ्लोर का कॉन्ट्रेक्टर चाहिए, 2 फ्लोर का एक घर बनाना है, मुझे कॉन्ट्रेक्टर चाहिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरे इस प्रोजेक्ट को वो लोग आएंगे हमारे पास, और मुझे, मैं उनको अपना प्लान दूंगा जो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अपना रेट डाल दे, जो ये रेट मेरा। हम ये रेट में किसको देंगे, ये जो प्रोजेक्ट किसको देंगे, जो सबसे कम रेट में डाले। सेकेंड थिंग, हम और एक चीजों में यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मुझे कैसा कॉन्ट्रेक्टर चाहिए। यदि मुझे लगा कि मुझे एक्सपीरियंस कॉन्ट्रेक्टर चाहिए, एटलीस्ट जिनको 4-5 साल या इस तरीके का काम किया हुआ है, या और भी हमने कोई क्राइटेरिया डाला कि कोई बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा काम किया है, बड़े कॉन्ट्रेक्टर का, ताकि मुझे क्वालिटी मेरा खराब ना हो, तो हम ये सब क्राइटेरिया देखेंगे। मान लो मेरे पास 20 कॉन्ट्रेक्टर आए, उसमें से 10 के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम बोलेंगे आप रेट मत कोट करो क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सेम चीज गवर्नमेंट भी करती है। तो गवर्नमेंट इसको टेक्निकल वर्ड में जब हम लोग नाम देते हैं तो यहाँ पे 2 इनवेलप बोलते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इनवेलप। इनवेलप में 2 टाइप आते हैं, एक टेक्निकल और दूसरा फाइनेंस, ऐसा 2 इनवेलप है। टेक्निकल में टेक्निकल के यदि हम बात करेंगे तो टेक्निकल में यही डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके इलिजिबल क्राइटेरिया, क्या आप इस टेंडर को के लिए इलिजिबल हो कि नहीं, ये आपको बायर का डिमांड रहेगा। बायर कैसा चाहिए, जो बायर होगा वो आपको पूछ बताएगा जो मुझे टेक्निकल में कैसा बंदा चाहिए, कैसा कॉन्ट्रेक्टर चाहिए या कैसा सप्लायर चाहिए। तो जो डिमांड उनका रहेगा उसके हिसाब से आप टेक्निकल में फिट होना चाहिए। मान लो अभी हम लोग जेम पे आते, जेम पे एक एलईडी लाइट का कॉन्ट्रैक्ट निकला है, एक टेंडर निकला है, एलईडी लाइट चाहिए 1000 पीस कोई ग्राम पंचायत को। अभी उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स डिमांड किया है बायर ने, बायर बोल रहा है मुझे डॉक्यूमेंट्स में, मुझे उनका जो भी टेंडर कोट करेगा उनके पास एटलीस्ट 5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, 5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, 5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। तो जिनके पास 5 लाख का टर्नओवर है वही लोग टेंडर भर पाएगा, जिनके पास नहीं है वो ये टेंडर के लिए इलिजिबल नहीं होता है, वो बोलेगा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम एलईडी लाइट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास 3 इयर्स का एलईडी लाइट के लिए किसी को सेल किया हुआ ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईएसओ सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कंपनी चाहिए, आईएसओ का सर्टिफाइड आपके पास होना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बायर बोलेगा
हो सकता है बायर ने कोई बोला मुझे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली मुझे एलईडी लाइट दे दो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, कोई भी पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो डिपेंड अपॉन बायर, बायर को जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो जो डॉक्यूमेंट्स होगा वही लोग इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते। अभी कुछ हम क्या कर सकते हैं, भाई ये टेंडर निकला है एलईडी 1000 लाइट का, मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, 5 लाख का और आईएसओ सर्टिफिकेट है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एलईडी लाइट का, और फिर भी मुझे टेंडर भरना है, तो मैंने भर दिया। बायर ने जब देखा कि ये तो 3 साल एक्सपीरियंस वाला है, इसके पास एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो मुझे वो क्या करेगा, टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ये बायर के ऊपर है, या बायर को लगा कि ये चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम विदाउट एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो कर भी सकता है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। यदि आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। ये हो गया टेक्निकल। दूसरा है फाइनेंस। फाइनेंस में हम लोग क्या कोट करेंगे, अपना रेट है ना, क्या हम कोट करना चाहते हैं, जो है मान लो इस टेंडर में ए बी सी डी ई और आपने पार्टिसिपेट किया। अभी ये पहला आता है टेक्निकल। टेक्निकल टेक्निकल में ये क्वालिफाई हो गया, ये भी क्वालिफाई हो गया, ये डिस्क्वालीफाई हो गया, ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया, क्वालिफाई है ये क्वालिफाई। टेक्निकल में ये दोनों के पास डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, लोग दोनों डिस्क्वालीफाई हो गया। अब इसने जो भी रेट कोट किया है ये बायर को कभी नहीं पता चलेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, फिर फाइनेंस खुलेगा। फाइनेंस में किनका रेट दिखेगा, जो लोग टेक्निकल में क्वालिफाई हुआ है, मतलब इसका अभी लोगों ने कोट किया है, ए ने कोट किया है, ए ने कोट किया है 4.5 लाख, बी ने कोट किया है 4.5 लाख, बी ने कोट किया है 4.6 लाख। अभी सी और डी का सवाल ही नहीं उठता, उसने जो भी कोट किया है किसी को पता नहीं चलेगा कि वो टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ई ने कोट किया 4.2 लाख और इसने 5 लाख। ये लोगों ने, सब लोगों ने कोट किया है, ये फाइनेंस खुलेगा। अब यहाँ पे टेंडर किसको मिलेगा, जो सबसे कम रेट में कोट किया है, मतलब ई ने, इसने सबसे कम रेट में कोट किया है, तो टेंडर ई को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं L1, बोलते हैं L1, लोएस्ट वन हम लोग इसको नाम देते हैं L1। ऐसे L1, L2 यदि हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये हो गया L2 है ना, ये हो गया L3 और ये हो गया L4। टेंडर किसको मिलेगा, जो L1 सबसे कम रेट में, पर उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया टेक्निकल राउंड को पार करना पड़ेगा। मान लो डी ने 3 लाख में भी कोट किया था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेट किसी को पता ही नहीं चलेगा उसने क्या रेट में कोट किया। तो पहला आपको टेक्निकल राउंड पार करना है और फिर फाइनेंस आपका खुलेगा। यदि आप टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपका फाइनेंस किसी को रेट पता ही नहीं चलेगा। तो पहला है डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल मतलब एलिजिबल क्राइटेरिया, एलिजिबल क्राइटेरिया दैट मींस डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बायर को डिमांड है, वो कहां पता चलेगा, तो वो एक टेंडर नोटिस बोलते हैं। बायर जब कभी भी टेंडर निकालता है तो एक टेंडर नोटिस इशू करता है, टेंडर नोटिस पब्लिकली इशू होता है, पब्लिक में कोई भी ये टेंडर नोटिस देख सकता है, और देखने के बाद आपको एक टाइम पीरियड रहता है। जनरली मिनिमम जो टाइम पीरियड है जेएमपी, ये 10 डेज का है, 10 दिन के लिए टाइम पीरियड रहेगा। इस 10 दिन के अंदर आप कभी भी टेंडर को कोट कर सकते हो, 10 दिन को आपको एक टाइम पीरियड दिया है। हाँ, कुछ एग्जम्पशन है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टेंडर है वो यदि एज इमरजेंसी बेस पे टेंडर मतलब निकालना चाहे तो उनको 2 दिन का प्रिविलेज दिया हुआ है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं तो एज ए नॉर्म्स 10 डेज का मिनिमम टेंडर रहना ही चाहिए, 10 से लेके 45 डेज तक टेंडर रह सकता है। ये है टेंडर का, टेंडर होता क्या है ये मैं आपको एक समझाने की कोशिश किया। बोलिए किसी को कोई डाउट है तो पहले ले लेता हूं। बोलिए कुछ डाउट है किसी को, टेंडर मतलब, हाँ भावना मैडम बोलिए। सर जैसे अभी आपने बताया टेक्निकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका रिजेक्शन हम कहाँ देख सकते हैं फिर, क्योंकि इस विभाग के रिजेक्ट किया।
मैं वो सभी चीजें अभी सिर्फ मैं आपको टेंडर मतलब समझा रहा हूँ, आगे हम लोग क्लास में सभी देखेंगे कैसे पता चलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस वजह से किया, कहाँ पे रीजन दिया है ना, टेंडर भरना कैसे है, सर्च कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है इस टेंडर में, वो कहाँ पता चलेगा, सभी एक एक करके फिर हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। जी ठीक है विजय सर। सर अभी 4.2 लाख मई भी 4.2, दो तीन लोगों सेम रेट डाल दिए तो किसको देंगे सर वो? सर फिर ये आरए में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो दो लोगों ने, मान लीजिए इसने भी L2 ने, इसने भी 4.2 में डाल दिया, अब ये भी L1 दो लोग L1 हो गए, हाँ दोनों ने सेम रेट कोट कर दिया है तो ये टेंडर ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में क्या हो जाएगा, आरए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑप्शन। आरए मतलब रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, देखो रिवर्स ऑक्शन में बोली, ऑनलाइन बोली लगना चालू हो जाएगा दोनों के बीच। अभी अभी इसमें टेंडर में क्वालिफाई हो गया ए और दोनों ही अभी इस टेंडर में पार्टिसिपेट हो गया, बाकी लोग सब लोग निकल गए। अभी आपको यहाँ पे बोली लगाना है 4.2 लाख से नीचे, अभी आपको बोली लगाते रहना है। लगाया 4.19 लाख, ठीक है, फिर इसने लगा दिया इने, अभी ये रेट दिखेगा जो ए ने 4.19 लाख कोट किया है। टेंडर में कोई रेट नहीं दिख रहा था, किसी को भी नहीं दिख रहा था, बायर को भी नहीं, सेलर को भी नहीं। जब टेंडर खुल गया पूरी तरीके से तो रेट पता चलता है। यहाँ पे रिवर्स ऑक्शन में सबको ऑनलाइन रेट दिखता है, जैसे बोली लगता है ऑक्शन। देखो मूवीज वगैरह में हम लोगों ने देखा होगा पुराना, बोली लगते हुए मैं इतने में रेट बढ़ा, वो रेट वहां पे बढ़ता था, वो था फॉरवर्ड ऑक्शन। ये है आरए, ये रेट घटेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। अभी ई को 4.19 लाख से नीचे लगाना है बोली, यदि लगाना है तो इसने लगा दिया 4.18, ऐसा चलता रहेगा। के पास आया, ये आपका चलता रहेगा, जो सबसे रेट कम रेट में देगा उसको ये टेंडर मिल जाए। क्लियर है? हाँ धनंजय सर बोलिए। सर ये रिवर्स ऑक्शन ये कब स्टार्ट होता है, क्या कितना टाइम मिलता है कि रिवर्स ऑक्शन? वो आपको टाइम बता दिया जाता है, 4 घंटा 5 घंटा, यदि बोली बढ़ता रहा तो बायर को ही फायदा है ना। हाँ और बढ़ा देगा, 4 घंटा लगाते रहो बोली। यदि ये 4 लाख के जगह आपको ये 3 लाख में मिलने लगा तो क्या प्रॉब्लम है उसको टाइम बढ़ाने में? यस यस, वो L1 और दोनों के बीच में ही होगा ना सर? बाकी दोनों के बीच में, हाँ अभी उसमें B और F पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ओके ओके थैंक यू। अश्विनी सर। सर ये जो आरए वाला आप बता रहे हैं तो जो दोनों के बीच में सर बीडिंग का कंपटीशन होगा तो ये ऑनलाइन ही होगा सर? ऑनलाइन ऑनलाइन। तो उसके लिए सर यूजर आईडी मतलब अलग से बायर सेम सेम वही यूजर आईडी में वही में उसमें ही ऑक्शन का बोली लगना चालू हो जाएगा। तो ऑन द स्पॉट मतलब सर अगर टाइम डिसाइड है तो सेम टाइम में उसका डिसीजन होगा? हां बायर आपको एक टाइम देगा जो 10 बजे से लेके 2 बजे तक, 10 बजे से लेके 5 बजे तक, इस डेट को आज 29 तारीख को आज टेंडर खुला, वो बोलेगा 3 तारीख को 10 बजे से बोली लगना चालू होगा सर। तो आप बोली लगाते बैठो तो उस चीज को सर बायर भी देख सकता है क्या वो उसी टाइम में सेम जब? हाँ बायर को पता चलेगा ना सब कुछ, बायर को भी दिखेगा। ओके थैंक्स थैंक्स। देवेश सर। सर जो आपने अभी एक फिगर बताया 5 लाख का टर्नओवर चाहिए, एक्सपीरियंस 3 इयर्स और ISO सर्टिफाइड एज एग्जांपल, तो जैसे 5 लाख टर्नओवर पर्टिकुलर अपना जैसे उसी एलईडी लाइट वाली फील्ड में ही? टर्नओवर बोला तो आपके पास टर्नओवर होना चाहिए। नहीं जैसे अगर समझ लो ना ये एक अपना इलेक्ट्रिक लाइन हो गया बट इसमें मेरा अगर क्लीनिंग लाइन है तो ऐसा बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपका कैसे भी टर्नओवर होना चाहिए। ओके बस टर्नओवर मतलब आईटीआर आपका इसमें आईटीआर नहीं। ओके एक्सपीरियंस जब बोला तो आपके पास एलईडी लाइट के सिमिलर प्रोजेक्ट में होना चाहिए। ओके 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 ओके। चेतन सर। सर मुझे ये पूछना था कि अगर बायर अपने एंड से ही है तो जो डिमांड है उसकी, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वो डिमांड जो भी है उनके लिए कैटेगरी प्रोडक्ट के लिए, हाँ वो पहले से अगर बता देता है तो ये टेक्निकल में भी हो जाएगा ना सर जी?
क्या हो जाएगा, मुझे समझा नहीं आपका क्वेरी ही नहीं समझा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एलईडी लाइट का एग्जांपल ले लेते हैं अगर, और मुझे L1 में ही लाना है इसको कंग्रेट में, तो मैनेज करके फिर तो हो सकता ना सर। देखो तरीके से तो नहीं हो सकता, पर आप इलीगल तरीके से थोड़ा करेंगे तो हो सकता है। ओके सर। मनीष सर, सर मान लीजिए मेरे टेंडर का रेट सबसे कम आया है, मेरे टेंडर का रेट सबसे कम आया सर, इसमें मेरा रेट सबसे कम आया, और मैंने कोई डॉक्यूमेंट लगाना भूल गया सर। सवाल ही नहीं उठता ना डॉक्यूमेंट्स। आप पहला तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, जब आप डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगाया तो आप टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये रेट पता ही नहीं चलेगा बायर को ना। अच्छा, यहाँ पे जैसे ऑफलाइन में क्या है, या ऑनलाइन अभी जो ई प्रोक्योरमेंट में, उसमें नोटिस भेजते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट है नहीं, आप सबमिट करा सकते हैं, दो दिन का टाइम मिलता है आपको, हमें टाइम मिलता है दो दिन के लिए, वो यहाँ पर भी है। अच्छा, मतलब फेल तो फेल। हाँ वैसा ही रहेगा जी, पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो आपका ये खुलेगा ही नहीं, ये फाइनेंस का रेट ही नहीं पता चलेगा किसी को भी। ऐसा कुछ नहीं था, डॉक्यूमेंट के लिए नोटिस नहीं आता ना कि आप अगर है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो। जयसवाल सर जी। सर जैसे हम लोग का टेंडर NIT में टेंडर फिल करते हैं ई प्रोक्योरमेंट से, तो उसमें जैसे मान लीजिए टेक्निकल में मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स ये है, तो वो कुछ पेंडिंग है, कुछ ये है कि कुछ नहीं दिए, तो उसमें टेक्निकल्स वाला शॉर्टफॉल देता है सर। यहाँ पर भी है वो, मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पर भी है वो, है यहाँ पर भी है। अच्छा है ना, ठीक हाँ। सर एक सिमरन मैडम का एक क्वेरी है, जब सर आरए स्टार्ट होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको मेल आएगा, SMS आएगा, सब कुछ आएगा, ऑनलाइन पोर्टल पे भी दिखेगा। धनंजय सर। सर अभी आप कह रहे हैं कि अगर दो L1 है तब आरए में जा सकता है, अगर ऐसा नहीं है कोई L1 एक ही है, फिर भी बायर क्या आरए में जा सकता है? नहीं, फिर नहीं, फिर पहले बायर वो आगे टेंडर पे यदि लिखा है तो जा सकता है, नहीं तो नहीं। अगर टेंडर पे लिखा था तब कैसे? तो जाएगा ही जाएगा, वो टेंडर हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ लिखा रहता है वो डिटेल। तो किसके बीच में होगा सर, L2 या फिर वो टेंडर में वो कंडीशन रहता है, वो हमें टेंडर पढ़ते वक्त बताता हूँ फिर। अभी हम देखो सर, हम अभी डीप के अंदर नहीं जा रहे, अभी टेंडर में आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अभी टेंडर समझा रहा हूँ, टेंडर होता क्या है, सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। थैंक यू। जब मैं आपको आगे टेंडर पढ़ाऊंगा ना तो ये डिटेल्स में समझाऊंगा फिर। Sure, चलो और कुछ क्वेरी किसी को? सिर्फ मैं टेंडर के बारे में समझा रहा हूँ, टेंडर होता क्या, बहुत सारे लोग मुझसे उस दिन पूछ रहे थे तो सर टेंडर मतलब ही नहीं पता, तो मैं सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ टेंडर होता क्या है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक टेंडर मतलब? सर हेलो, अगर L2 जो बंदा है इसका अपना सेटिंग है तो ये इसको भी टेंडर में तो सेटिंग वेटिंग, हम अभी टेंडर के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है, हम आगे आपको सब बताएंगे, पहले सिर्फ टेंडर का। टेंडर आपको समझ में नहीं आया किसी को तो मुझे पूछो, नहीं तो ये क्लास है ना ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना उस पे हमसे पूछो, मैं आगे देखो ना सभी बताऊंगा, ऐसा नहीं है एकदम, अभी मेरा टेंडर का क्लास जस्ट चालू ही किया हूँ, खत्म नहीं किया हूँ सर, खत्म होने तक आपके पास कुछ भी क्वेरी नहीं बचेगा। अभी तक हमने जो लेक्चर लिए, आपको लग रहा है कि आपके कुछ क्वेरी रह गए जो मैंने कवर नहीं किया, सेम आगे बीड में भी रहेगा वैसे ही। विजय सर बोलिए। सर अभी जो कैटलॉग ऐड किए रहते हैं ना उसका ही टेंडर को हमारे को पता चलेगा क्या सब टेंडर का? सर भी पता मैं आप फिर से मैं वही चीज बता रहा हूँ, मैं सिर्फ टेंडर होता क्या है मैं उतना ही समझा रहा हूँ। हाँ, टेंडर मतलब समझे क्या आप? हाँ सर, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो पूछो, मैं आगे देखो ना मैं सभी समझा रहा हूँ आगे का डिटेल्स। तो चलिए तो यहाँ स्टॉप करते हैं, इसका मतलब